सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम टी ए व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है बजाज की बिगेस्ट पल्सर के बारे में, जो NS 400 के रूप में आने वाली है। तो ये क्या बात सही है या गलत है, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आगे ये कब आएगी और कब तक आ सकती है, तो इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। ये जो पिक देख रहे हैं ये तो ऑब्वियसली ये रूमर के थ्रू फैलाई गई पिक है, ये वो बजाज NS 400 नहीं है, बट इसी लुक में जो है ना आपको देखने को मिलेगी। जो बजाज की जो पल्सर NS 200 है, NS 160 है, NS 125 है, उसी के जैसा लुक ही होने वाला है NS 400 का भी, बट उसमें जो है ना बस इंजन बड़े होने वाले हैं। और इंजन की बातें मैं करूँ तो ये जो डोमिनार का 400 वाला जो इंजन आता है, 400 cc वाला इंजन, वही इंजन इसमें आने वाला है, तो बस थोड़ा रिफाइंड करके आने वाला है। और ये NS 400 में अगर आती है 400 cc का इंजन, तो क्योंकि इसका NS का वेट जो है ना काफ़ी कम है और 400 cc का इंजन रहेगा, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के आपको देगी और काफ़ी अच्छा पावर जनरेट करके देगी, क्योंकि डोमिनार जो है ना काफ़ी बल्की बाइक है और काफ़ी वजन, मतलब काफ़ी वेट वाली बाइक है। तो इसमें इंजन तो वही डोमिनार 400 वाला ही होगा और इसकी मैक्सिमम पावर जो 40 PS की पावर, 35 Nm का टॉर्क होगा, यही सब होगा। बट इसकी जो लॉन्च डेट के बारे में जो रूमर्स सब जो फैला रहे हैं कि अगस्त तक आएगी, जुलाई तक आएगी, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। बजाज ने अभी तक कोई कन्फर्म नहीं किया NS 400 के बारे में कि ये कब तक आएगी। हो सकता है कि इस ईयर के एंड तक में बजाज NS 400 भी देखने को मिल जाए। तो इसका जो आपको प्राइजिंग अप्रॉक्स होने वाला है वो 2.5 लाख, 2.6 लाख के जो है ना आसपास, 2,60,000 के आसपास जो है ना आपको ऑन रोड देखने को मिलेगी, क्योंकि बजाज की जो बाइक होती है वो ज़्यादातर मोस्टली जो है ना अफोर्डेबल होती है, काफ़ी अच्छी बाइक्स लॉन्च करती है। जैसे कि अभी N250 जो लॉन्च हुई है, कितनी अच्छी बाइक है, तो उसी तरह ये भी बाइक होगी। अगर आपको NS 400 लेनी है तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, थोड़ा कुछ दिनों तक आप वेट कर सकते हैं, बट ये अभी कन्फर्म नहीं हुई है ये पिक। ये सब सारी रूमर के थ्रू फैलाई गई है, कोई भी ऐसा न्यू अपडेट आता है तो वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बना के बता दूंगा कि ये बाइक कब तक लॉन्च होगी और क्या प्राइसिंग, क्या परफॉर्मेंस होने वाला है, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाला है। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइज़।